दोस्तों बढ़ते टाइम के साथ यहाँ पे हमारा टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस होते जा रही है, बट दोस्तों हम लोग एडवांस नहीं हो पा रहे हैं कुछ मिथ्स को लेके, कुछ स्मार्टफोन के मिथ्स को लेके। जैसे कि अगर हम अपने फ़ोन को फुल नाइट से अपने फ़ोन को चार्ज में लगा के छोड़ देते हैं तो हमारा फ़ोन ओवर चार्जिंग के कारण हमारे बैटरी पे इफेक्ट डालेगी एंड हमारा बैटरी डैमेज हो जाएगा। एंड दोस्तों अगर मैं अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे करके चार्ज में लगाऊँ तो मेरा फ़ोन जल्दी चार्ज होगा, मेरा फ़ोन फास्ट चार्ज होगा। इसी टाइप के कुछ मिथ्स को लेके हम लोग कहीं ना कहीं एडवांस होने में पीछे रह रहे हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं ऐसा ही कुछ स्मार्टफोन के मिथ्स को बस्ट करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। सो चलिए करते हैं वीडियो को फटाक से स्टार्ट। सो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला मिथ्स निकल के आती है वो है दोस्तों हमारे फ़ोन के कैमरे के रिगार्डिंग। वो है कि दोस्तों अगर आपके फ़ोन में जितना ज़्यादा मेगापिक्सल्स की कैमरा रहती है तो आप उतना अच्छा पिक्चर क्वालिटी कैप्चर कर सकते हो। सो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ ऐसा यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। बेसिकली आपके मेगापिक्सल का वर्क बस आपके फ़ोन में इतना ही रहता है कि जितना ज़्यादा मेगापिक्सल आपके फ़ोन में रहेगी तो आप उतना ज़्यादा तक जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। एंड सेकेंड एक और काम रहती है कि आपके फ़ोन में जितना ज़्यादा मेगापिक्सल रहेगा उस अकॉर्डिंगली से आप अल्ट्रा वाइड वाइड एंगल फोटोज क्लिक कर सकते हैं। एंड दोस्तों हमारी इस वीडियो की जो नेक्स्ट मिस निकल के आती है वो है दोस्तों हमारे फ़ोन के नेटवर्क एंड नेटवर्क बार के रिगार्डिंग। वो ये है कि दोस्तों हमारे फ़ोन में जो नेटवर्क बार रहती है वो हमारे फ़ोन के नेटवर्क क्वालिटी को शो करती है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके नेटवर्क बार के आपके फ़ोन में वो आपको आपका नेटवर्क क्वालिटी नहीं बल्कि आपके नेटवर्क के स्ट्रेंथ को शो करती है। तो इस मिथ में मत रहना कि आपकी जो नेटवर्क बार अगर फुल है तो उसका मतलब ये कि आप अब अच्छी कॉल कर सकते हो, अच्छी इंटरनेट स्पीड पा सकते हो, तो इस मिथ में मत रहना। एंड दोस्तों यहाँ पे जो हमारे इस वीडियो की एक और अगली मिथ्स आई है वो है दोस्तों हमारे फ़ोन के बैकग्राउंड के रिगार्डिंग। वो ये है दोस्तों कि अगर आप अपने फ़ोन के बैकग्राउंड को इरेज करके रखते हो, क्लीन करके रखते हो, तो आपका फ़ोन बेटर परफॉर्मेंस करेगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ भाई आप कौन से सेंचुरी में जी रहे हो। ये दोस्तों वो पुराना वाला सेंचुरी नहीं है भाई, ये एडवांस सेंचुरी है दोस्तों। तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे फ़ोन के जो AI सिस्टम है वो हम लोगों से कई गुना एडवांस है। वो ऑटोमेटिकली अगर उसे ज़रूरत पड़ती है तो ऑटोमेटिकली आपसे पूछता नहीं है, वो अपने बैकग्राउंड को खुद ही इरेज कर देता है। जो भी आपने क्रोम खोल के रखे, जो भी टास्क आपने बैकग्राउंड में खोल के रखी है, अगर उसे ज़रूरत है तो ऑटोमेटिकली उसे इरेज कर देता है, उसे वो क्लीन कर देती है। सो इस मिथ को अपने दिमाग से निकाल के रखो अब। एंड दोस्तों हमारी इस वीडियो की जो अगली मिथ्स है वो दोस्तों बहुत ही कॉमन मिथ्स है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी बंदा होगा जिसके मन में ये मिथ्स नहीं आया होगा। वो दोस्तों मेरे मन में भी ये मिथ्स थी, बट जब मैंने जाना समझा तो मुझे मेरी मिथ्स ये दिमाग से हट गई है। एंड दोस्तों वो मिथ ये है कि दोस्तों जो आपका फ़ोन होता है उसे अगर आप ओवर नाइट चार्ज में लगा के छोड़ देते हो तो आपका फ़ोन जो है उसका बैटरी जो है डेड हो जाता है, वो उस आपका बैटरी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है एंड आपका बैकअप घटते जाता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ दोस्तों आपका जो चार्जर है वो दोस्तों एडवांस सर्किट पे बेस्ड है। जब आपका फ़ोन 100% चार्ज हो जाती है दोस्तों तो ऑटोमेटिकली से वो सर्किट जो स्मार्ट सर्किट है आपके चार्जर में वो ऑटोमेटिक से कट आउट कर देती है, वो आपके जो इलेक्ट्रिक को वो पास ही नहीं करने देती है आपके फ़ोन में। सो दोस्तों ये मिथ्स भी अब अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल लो। सो दोस्तों हमारी इस वीडियो की सबसे मेरी फेवरेट जो मिथ्स है वो आ गई है उसकी बारी। दोस्तों यहाँ पे जो जितने भी टीनएजर्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनको भाई झंझोर के रख देगी। वो मिथ्स ये है कि दोस्तों आप जब इग्निटो मोड ऑन करके भाई रात में लाइट ऑफ करके जब आप इग्निटो मोड को ऑन करते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपको कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा, तो आप बिल्कुल ही गलत हो। दोस्तों यहाँ पे जो इग्निटो मोड को आप ऑन करते हो बस इग्निटो मोड आपका इतना करता है कि जो भी आप सर्च करते हो उसे आपके रिसेंट हिस्ट्री वगैरह में नहीं सेव होने देता, बट दोस्तों इजीली से आपको कोई भी एक्सेस कर सकता है, मतलब आपको कोई ट्रैक कर सकता है। सो दोस्तों अब हो जाओ सावधान, बिल्कुल ही सावधान, आप बंद कर दो सभी कारनामे आप लोग। एंड दोस्तों यहाँ पे एक और मिथ्स है जो मुझे लगता है कि यहाँ पे सभी बंदे के मन में वो होगा एंड करते भी होंगे वो अप्लाई। तो वो मिथ्स ये है कि दोस्तों आप सोचते हो कि अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में लगा के अगर आप अपने फ़ोन को चार्ज करोगे तो आपका फ़ोन जल्दी चार्ज होगा एंड फास्ट चार्ज होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ सिंपल लैंग्वेज में कि ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपका एरोप्लेन मोड आप जब लगाते हो तो वो सिंपली आपका क्या करता है, आपका जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है उसे कट आउट कर देती है। तो यहाँ पे चार्जर से क्या भाई लेना देना, क्या सब सोच के बैठे हो। तो दोस्तों इसे भी आप अपने दिमाग से, इस मिथ्स को भी आप निकाल दो। दोस्तों यहाँ पे जो एक और मिथ्स निकल के आती है वो है दोस्तों आपके PC एंड लैपटॉप के रिगार्डिंग। वो ये है कि दोस्तों उससे पहले दोस्तों यहाँ पे मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आप लोग में से कौन कौन ये करते हो या फिर नहीं। वो ये है कि दोस्तों जब आपने लैपटॉप या PC को ओपन करते हो तो आप कितना बड़ी फ्रेश करते हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे पता है कि आप लोग करते हो
ऑब्वियसली मैं भी वो करता हूँ, लेकिन आप लोग भी जरूर करते हो। मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग जब अपने पीसी या लैपटॉप को ओपन करते हो तो कितना बार रिफ्रेश करते हो। तो मैं एक बार बता दूँ, रिफ्रेश करने से कुछ नहीं। क्या आपको लगता है कि आप रिफ्रेश जब करते हो तो आपकी जो पीसी है, आपकी जो लैपटॉप है, वो इंक्रीज कर जाती है, उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज कर जाती है? तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये भी बस एक मिथ्स है। सो दोस्तों, इसे भी अपने दिमाग से अब आप निकाल लो, ऐसा करना छोड़ दो। सो दोस्तों, मिथ्स दुनिया भर की भरी हुई है। आपके मन में दोस्तों कितना मिथ्स आप लोगों ने पाल के रखी है, अगर मैं बताते रहेगा तो भाई कब सुबह हो जाएगी, कब रात हो जाएगी, यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चलेगा। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक लास्ट मिथ्स बता देता हूँ। मिथ्स वो है कि दोस्तों आप सोचते हो कि आपके फ़ोन में जितना ज़्यादा रैम रहता है तो आपका परफॉर्मेंस आपका फ़ोन का उतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली जो आपका रैम होता है उसका काम बस इतना होता है कि आप रिसेंट टैब में जितना अच्छा रैम रहेगा, जितना ज़्यादा रैम रहेगा, उतना ज़्यादा आप अपने रिसेंट टैब में रिसेंट वर्क को रख सकते हो। लाइक आप मान लो आपने पबजी खोला एंड अचानक से आपको कुछ काम आ गया, आपको कॉल लगाना है किसी को, तो आप उसे रिसेंट टैब में रख दिए, फिर किसी को कॉल लगा, फिर आपको कुछ काम गया, ऐसे करके जितना ज़्यादा रैम रहेगा उतना ज़्यादा आप रिसेंट टैब में उसे रख सकते हो एंड वो रीस्टार्ट नहीं होगी, जहाँ से आपने छोड़ा है वहीं से वो स्टार्ट होगी। सो दोस्तों, यही बेसिकली रैम की काम है। एंड दोस्तों, यहाँ पे जो आपके फ़ोन में, अगर ऑब्वियस सी बात है, जो आपके फ़ोन में अगर कम रैम है तो वहाँ पे कम रिसेंट टैब में आपका कम जो बैकग्राउंड में आपने रखा है वो कम ही रहेगा। सो दोस्तों, यही मिथ्स है और कुछ नहीं है रैम के रिगार्डिंग। सो दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर डालना, भूलना मत दोस्तों। बिकॉज दोस्तों, आपके एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब से हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।